चलिए आगे बढ़िए प्लीज, आगे बढ़िए सर प्लीज, आगे चलिए प्लीज, आगे बढ़िए, चलिए सर चलिए प्लीज आगे बढ़िए, चलिए सर प्लीज प्लीज, चलिए सर आगे बढ़िए चलो सर प्लीज, चलिए चलिए नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, पदमपुर में उमड़े लोग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी शुक्रवार को पदमपुर पहुंची, उन्होंने यहाँ रोड शो किया। वे यहाँ श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में पहुंची और टीटी के लिए वोट मांगे। रोड शो दोपहर करीब 12 बजे कस्बे की गिल कॉलोनी से रवाना हुआ, इसके बाद कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रोड शो गुजरा। रोड शो का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया, कहीं पर फूल की बारिश तो कहीं पर नारेबाजी कर लोगों ने जोरदार उत्साह दिखाया। इस दौरान फूलों से सजी कार में सवार होकर दिया कुमारी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कस्बे के अलग अलग इलाकों से लोगों सड़कों पर निकल आए। रोड शो के दौरान पुलिस ने जवान डिप्टी सीएम दिया कुमारी की कार के आगे लगातार रास्ता बनाते चल रहे थे। पदमपुर के बाद दिया कुमारी गसिमपुर जाने का कार्यक्रम है, वे वहां धान मंडी में होने वाली महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इससे पहले गुरुवार देर शाम डिप्टी सीएम दिया कुमारी श्री गंगानगर पहुंची, वे वहां सूरतगढ़ रोड पर स्थित एक रिसोर्ट में पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। प्रदेश में 200 से 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था। श्री करणपुर पर नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहाँ चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब कांग्रेस ने यहाँ से गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रुपिंदर सिंह कुन्नर को कैंडिडेट बनाया है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से है। श्री करणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होगा और सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।